नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबर की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती आज। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के लोगों को दी बधाई। देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही बापू की जयंती। आज पूरा देश गांधी जी की 153वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर महात्मा गांधी को पीएम मोदी ने राजघाट में श्रद्धा सुमन किया। दिल्ली के राजघाट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई दिग्गजों ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एलओपी, राज्यसभा मल्लिका अर्जुन खड़गे और राजघाट पर महात्मा गांधी को तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और हर साल 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भारती बुधनी में सलकनपुर पहुंची। मां बिजासन मंदिर में पहुंचकर के पूजा अर्चना किया। कहा नवरात्रि पर मां के चरणों को प्रणाम करने आई हूं। दमोह में जिला कलेक्टर ने अभद्रता मामले में पथरिया विधायक रामबाई परिहार पर एफआईआर किया दर्ज। दरअसल विधायक महिला के साथ समस्याओं को लेकर के कलेक्टर के पास पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर से अभद्रता की। विधानसभा का उपचुनाव के लिए मिशन मोड पर आई बीजेपी। बीजेपी और कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की शुरू। चुनावों को लेकर के राजधानी के रातापाड़ी में बीजेपी ने की बड़ी बैठक। कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। भोपाल में रन फॉर चीता में बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। चीता के लिए संरक्षण के लिए एकजुट हुए युवा। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का फाइनल मैच का आयोजन और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल ने कप्तान सचिन तेंदुलकर को ट्रॉफी देकर किया ट्रॉफी की प्रदान। इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 33 रनों से हराया। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का परचम। दुर्ग के पाचन को देश में मिला दूसरा स्थान। ईस्ट जोन में पाचन पहले नंबर पर। सर्वेक्षण में 11वें नंबर पर आया रायपुर। रैंकिंग में अंबिकापुर को मिला 10वां स्थान। ग्वालियर में बीजेपी नेता की पार्टी पे हार्श फायरिंग। 2 लोगों को लगी गोली। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी नेता को प्रभार मिलने की खुशी में चल रही थी पार्टी। जानकारी के मुताबिक एक युवक के पैर में और दूसरे युवक के सिर में लगी गोली। आनंद फाइनल में घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कार्यालय सरकार परिसर में गरबा कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में 3 मुस्लिम युवक पंडाल में घुस गए जिसकी सूचना कार्यक्रम में मौजूद हिंदू संगठन को मिली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने भीड़ में घुस करके चेक करना शुरू किया और बाद में मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। विदिशा में टैंकर चालक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में पटवारी की मौत। काटिया चौराहे के पास की घटना। ग्वालियर के बदनापुरा में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। इस दौरान पुलिस ने घरों में घुस करके चेकिंग अभियान चलाया। 6 संदिग्ध नाबालिग बच्चों को किया बरामद। 3 युवक और 1 महिला को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में नशीले टैबलेट के साथ पुलिस ने 1 युवक को किया गिरफ्तार। युवक के पास से भारी मात्रा में नशीले टैबलेट बरामद। मामले में वाडफनगर एसडीपीओ ने बताया कि सद्दाम हुसैन क्षेत्र के नशीले कारोबार में शामिल है। सूचना पर पुलिस टीम कार्रवाई करने में लगी जुटी। बाजा ने पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी। जहां पर क्रिकेट पर कर सट्टा लगाते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही अवैध शराब कारोबारियों पर भी कार्रवाई। आरोपियों के पास से 19,000 से ज्यादा की नकदी और कई सामग्री बरामद। मंदसौर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। जिले में 4 महीने में यह तीसरा मामला। यहां पर किसी मुस्लिम शख्स ने सनातन धर्म अपना लिया।
जिले के धमनार का रहने वाला मोहम्मद निशार धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन गया। इसके बाद गायत्री मंत्र से हिंदू ने धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू रीति रिवाज से हिंदू लड़की से शादी की। उमरिया बांधवगढ़ पार्क में सफारी की शुरुआत हो चुकी है। इसका वन मंत्री ने फीता काटकर के शुभारंभ किया। वन मंत्री ने सफारी पर जाकर के वन्य जीवों पर का दीदार किया। बलरामपुर के राजपुर वन विभाग की टीम ने जंगल में प्लांटेशन की कटाई करने के मामले में 28 लोगों को किया गिरफ्तार। राजपुर वन परिक्षेत्र में वन विभाग के लगाए गए प्लांटेशन और जंगलों की कटाई जारी। ऐसे में जिले के डीएफओ के निर्देश पर फॉरेस्ट की टीम ने की कार्रवाई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पत्ता मिलने के लालच में लगातार ग्रामीणों ने इस तरह की हरकत करते नजर आ रहे हैं। इंदौर में गर्भवती महिला के साथ रेप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस आयोग कार्रवाई में जुटी। छत्तीसगढ़ में 12 अक्टूबर से नागरिक सुरक्षा मंच आया करेगी ट्रेन रोको आंदोलन। मालगाड़ियों को रोक करके यात्री गाड़ी चलने की होगी मांग। बिलासपुर में तेज रफ्तार ने मवेशियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 गायों की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। रतलाम के प्रसिद्ध कालिका मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। धमतरी नवरात्रों को लेकर के माता के भक्तों ने भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर माता शीतला मंदिर में भक्तों की भीड़। मान्यता है कि जो भक्त माता के शरण में सच्चे मन से दर्शन के लिए आते हैं उनकी तमाम मुरादें पूरी होती है। देशभर में नवरात्रि की धूम। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के 5वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। नवरात्रि के मौके पर कालिका माता मंदिर में शहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शहर में कई स्थानों पर गरबा पंडाल लगे। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों ने शोक जताया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को पीएम एनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। नू में पुनहाना जुरहेड़ा रोड सुनहरा बॉर्डर के पास पुलिस अधिकारियों में इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें सीआई प्रभारी नरेश और सिपाही घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के